नमस्ते एंड हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, एक और ब्लॉग आप लोग शेयर कर रही हूं मैं, जो कि मेरी शिफ्टिंग वाली ब्लॉग है। तो यहां पे हमारे पास जो है कूलर है, काफ़ी कबाड़ी है, तो कबाड़ी वाले को हमने बुलाया है बेचने के लिए। का सारी कबाड़ी तो ले गया, लेकिन कुछ एक कूलर है जो ये बिल्कुल न्यू है, लेकिन वही कि थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। पिछले साल हमने लास्ट जब थोड़ी गर्मी बची थी तब हमने लिया था, क्योंकि उसके पहले वह ख़राब हो गया था। तो ये कूलर भी एक महीने चलाया, और जब इस साल हम चलाने चले तो ये कूलर ख़राब हो गया था, क्योंकि दिल्ली के पानी में जो है ना काफ़ी नमक होता है, और उससे मतलब कूलर जैसे चीज़ काफ़ी ख़राब हो जाता है जल्दी ही। तो फिर इसको हमने बोला कि भाई ले जाओ, थोड़ा सा आप इसको रिपेयर करोगे तो ये आपके काम आ जाएगा। अरे एक साल ही, दो एक महीने के लिए चलाया है, दो साल से पहले। ये सोफा को रखने के लिए अंदर भी कितनी प्रॉब्लम हुई, भी खोलने में भी प्रॉब्लम हुई। जो ये हेड है इसको हमने खोला है, इससे खोल के रखा, हटाया है बाहर निकालने के लिए। आज सेम ऐसे ही हुआ, जब हम अंदर रखे तो इसको खोलना पड़ा, इसके पैर को खोलना पड़ा, और यहाँ तक कि डोर को भी खोलना पड़ा, जो कि मेरा बेटा लगा हुआ है डोर खोलने में। ये देखिए, जो जाली है ना, जाला वाला जो गेट है, इसको भी खोलने के लिए देखिए खोल रहा है। इतनी दिक्कत तो होती है सोफ़ा में रखने के लिए। अब हमने ले तो लिया था, लेकिन पता नहीं था कि ये गेट में ऐसी प्रॉब्लम करेगा, तो लेते नहीं। अब लिया है तो इसको तो करना पड़ेगा, इसीलिए लेने से पहले एक बार अगर कभी सोफ़ा ले रहे हैं ना, तो अपना जरूर गेट को जरूर चेक कर लें कि गेट हमारा आएगा कि नहीं आएगा। बताए क्या हुआ? अच्छा, वो जो पैकर्स वाले आ रहे थे पापा, सब्जी कचरा वाले को समझ गए। छोटी की ट्रक आ रही है, इतने लोगों को ट्रक तो बाद में भी आएगा, पहले पैकिंग करने आ रहा होगा ना वो। तो यही चीज है, तो अभी खुल जाएगा जाली वाला ना इस, ये तो शायद निकल जाए हमारा। और ये देखिए सामने, देखिए सारे सामान ऐसे फैले हुए हैं, अभी सब ठीक जो भी होगा सामान पैक वैक, इसी में अगर ये कुछ रुशन जो है इसी में आ जाएगा तो फिर सब ठीक है। और ये देखिए घर की मेरी हालत, ये वॉशिंग मशीन वशीन सब कुछ है, ठीक करना है तो ये सबको भी पैक होगा ही। तो यही है, चल रही है पैकिंग। अभी पैकर्स वाले जो है अभी आने वाले हैं, तो अभी वो ही सब कुछ ये पैक करेंगे। हमने तो बस बॉक्स जो है, बॉक्स को में सामान इकट्ठा कर दिया है, जो कपड़े वपड़े हैं इस टाइप से, बाकी सारे सामान जो है पैकर्स वाले ही अपना करेंगे। 5 साल के बाद हमने यहाँ पे रहे हैं, अब ये घर हमें खाली करना पड़ेगा। काफ़ी मतलब इस घर को सजाओ और फिर इस घर को छोड़ के जाओ, बहुत ही लगता है। वैसे क्या है कि सारे घर की हालत वैसी ख़राब ही है, दिखाने लायक है नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है पैकर्स वाले आए हैं, और इन्होंने सारे सामान को पैकिंग कर दिया है, और बहुत ही जल्दी इन्होंने पैकिंग किया, क्योंकि मुझे लगता है 2 घंटे में शायद इन्होंने पैक कर दिया सारे सामान को। और बॉक्स तो मैंने पहले से पैक कर दिया था, बॉक्स को छुड़ा के सारे सामान इन्होंने फिर पैक कर दिया। जैसे सोफ़ा वोफा हमने हेडसेट पूरा उसका खोल दिया था और बाहर निकाल दिया था, फिर इन्होंने बाहर रख के सब कुछ पैक करते गए, और हम लोग सामान देते गए, ये लोग पैक करते गए। तो 2 घंटे में सारे सामान इन्होंने पैक कर दिया, और 4 मेम्बर थे भी इन्होंने, तो बहुत जल्दी ही हो गया। तो सारे सामान जो है अब लगभग पैक हो के अब गाड़ी में रख रहे हैं, लास्ट कुछ जो 2 सामान बचे हैं उनको रख रहे हैं। और फ्रेंड्स, मुझे इतने सारे इनके साथ मैं भी लगी हुई थी, सामान मैं भी देती जा रही थी, तो फिर मैंने कोई वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाई। बाद में लास्ट में मुझे याद आया कि अरे मैंने तो थोड़ा सा वीडियो बना लेती, तो जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो वही मैंने थोड़ा सा बना लिया। तो फ्रेंड्स, हो जाता है काम के बीच में ये सब ध्यान ही नहीं रहता है, उस समय लगता है, उस समय ना काम सामने दिखाई देता है, कोई वीडियो नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो हमारा सामान जो है प्रस्थान कर चुका है, एक नई यात्रा करते हुए एक नए गंतव्य के लिए, तो अब सामान वहीं पे पहुँचेगा सीधे। सामान वामान जाने के बाद मैं आप लोगों से मैं अभी मिल रही हूँ, शाम को, रात को, रात हो चुका है। फिर हम किसी फ्रेंड के पास डिनर के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने डिनर पर बुलाया है। तो दोपहर में तो हमने जो लंच था बाहर से मंगवा लिया था,
लेकिन सोचा था रात को उन्होंने बोला था, तो फ्रेंड ने बोला था तो हम रात को कर लेंगे, थोड़ा थक भी जाएंगे तो रात को सही रहेगा, तो इसलिए लंच न बोल के हमने डिनर बोल दिया था। तो यहीं पे हम जा रहे हैं और अभी सारा सामान वामान जाने के बाद घर भी थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है। तो ये देखिए फर्स्ट रूम में हमने चरपाई डाल रखा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रूम में बैठे हुए हैं, चरपाई दिख रहा है और ये रूम भी है। सारे सामान वैसे बाकी बार खाली खाली से रहा है, कुछ सामान अभी थोड़े से मेरे फैले हैं, इसको भी सबको भी ठीक करना है, टीवी भी थोड़ा सा है। तो यही है, चलिए फ्रेंड के यहाँ से भी डिनर करके आते हैं, फिर आपसे भी मिलेंगे, फिर बातें बातें करेंगे। तो चलिए चलते हैं, चला। तो फ्रेंड जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में भी देखा था कि हम एक फ्रेंड के यहाँ डिनर पे गए थे और आज भी हम डिनर पे ही जा रहे हैं। तो दिन में क्या कर होता है कि हम दिन में हम थोड़ा काम में बिजी रहते हैं और फिर रात को थक भी जाते हैं, तो रात का ही हम डिनर रख लेते हैं कि वो सही रहता है कि अपना दिन में काम डिस्टर्ब नहीं होता है और रात को भी हमें आराम मिलता है कि मतलब थकान सी हो जाती है। इसीलिए हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो हमें अगर इन्वाइट करते हैं अपना डिनर पे, मतलब कि खाने पे, तो हम डिनर ही ज़्यादा चुनते हैं क्योंकि सही रहता है। और फ्रेंड्स हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमें अब एक दूसरे को, हम जब भी कोई अपना फ्रेंड है तो हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं आते हैं, तो वहीं पे हम यहाँ पे आए हुए हैं डिनर के लिए। तो फ्रेंड्स आज तो मैं बहुत ही मतलब थक गई हूँ, बहुत सभी लोग मेरे घर थक गए हैं और ज़्यादा तो काम एक लेडीज को थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से डिनर करके जाके अब रेस्ट ही मतलब करना है, क्योंकि आज लास्ट पैकिंग थी और पैकिंग होने के बाद फिर सारे सामान को, फिर जितने फैले रहते हैं उनको इकट्ठा भी करना, साफ़ सफाई भी करना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो फिर डिनर को करने के बाद तो मैं काफ़ी थक गई थी, सो जाके ही मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो गया था। तो फ्रेंड्स मेरा जो ब्लॉग है, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग मेरा, ये कैसा लग रहा है मेरा शिफ्टिंग वाली ब्लॉग जो है मेरा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। गिलोई का पत्ता तो पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर किया, पूरा यहाँ से लेके और ऊपर से अच्छा लग रहा है नज़ारे सारे, ऊपर से हम ऊपर आए हुए हैं तो ऊपर बाहर आएगा तो कौन सा फ्लैट मिलने वाला है, बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे रहने से इतना दिखता नहीं है।